हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में, और हम इस स्टॉक के लेवल्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या लेवल्स खरीदारी के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले स्टॉक के ट्रेंड की बात करूँ तो स्टॉक में यहाँ से अक्टूबर 2022 से लगातार गिरावट हुई और स्टॉक की डाउन ट्रेंड स्टॉक में कंटिन्यू रहा। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो स्टॉक ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और स्टॉक ने लगातार रिकवरी दिखाई है और यहां से स्टॉक आप देख पा रहे हैं लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो फ्रेंड्स, स्टॉक का जो सपोर्ट अभी निकल कर आ रहा है, हालांकि सपोर्ट तो ये था, इसको स्टॉक ने ब्रेक किया, यही रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। लेकिन अभी कुछ दिनों से गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो संभावना है कि स्टॉक यहाँ पे लेवल छुएगा करके 4670 रुपए के आसपास, वहां छूता है और आपके लिए एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए अभी वर्तमान में। उस रेजिस्टेंस को अगर मैं फाइंड करूं तो ये रेजिस्टेंस निकल कर आता है लगभग ये लेवल्स पर 5195, यानी कि 5200 रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो अभी क्या स्टॉक में हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। फ्रेंड्स, स्टॉक में RSI आप देख पा रहे हैं नीचे आई है, 50 से नीचे टूट गई, तो स्टॉक यहां तो कंफर्म सपोर्ट लेने वाला है। लेकिन अगर 4670 रुपए का लेवल स्टॉक तोड़ देता है तो फिर आप इंतजार कीजिएगा लगभग स्टॉक के 4000 आने तक का। ठीक है, अगर स्टॉक यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो फिर आपको लगभग 5180 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर यहां से ब्रेकआउट मिलता है स्टॉक का तो फिर आपको नया टारगेट मिलेगा और वो टारगेट होगा लगभग फ्रेंड्स लगभग के 5760 रुपए के आसपास। ठीक, 5765 रुपए के आसपास का वो टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखें ब्रेक डाउन होने पर स्टॉक में ना रुकें, निकल जाए कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सपोर्ट लेकर के रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स को ध्यान में रखें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जारी रखें। और वीडियो ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, इन्वेस्टिंग करने से या पैसा लगाने से पहले मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।